जल्दी है तुझे शहर पहुंचने की। अरे छोरी, इंसान कितनी भी जल्दी करे पहुंचता तभी है जब उसे पहुंचना होता है, और पहुंचता वही है जहां उसे पहुंचना होता है। सही बात है। मैं बहुत खुश हूं काका, मैं हुकुम के पास जा रही हूं ना। हुकुम तो हमारे भगवान है। लगता है आजकल सुंदरनगर में फसल अच्छी हो रही है। नवेली, आओ हमारे साथ भीतर चलो। और बलवंत, दिन कैसे गुजर रहे हैं? हुकुम, हुकुम खुश तो दिन, हुकुम उदास तो रात। हुकुम, दीवान साहब ने ये कागजात भेजे हैं। कह रहे थे कि मास्टर दीनानाथ की बातों में आकर पीरगंज वाले आजकल हुकुम के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत कर रहे हैं। शोर लहरों की आदत होती है बलवंत, और खामोशी चट्टानों की ताकत। लहरें आवाज तो बहुत करती हैं, मगर चट्टानों से टकराकर टूट जाती हैं। हुकुम, आप हुकुम दें तो मैं लाशें बिछा दूं। ये लाशें बिछाने की बहुत जल्दी पड़ी रहती तुझे। ऐसे कामों में जल्दबाजी नहीं, सब्र की जरूरत पड़ती है, समझा?
हम जल्द आकर सब ठीक कर लेंगे। बलवंत, इस बार अंजलि भी हमारे साथ सुंदरनगर आ रही है। क्या कहा हुकुम? छोटी मालकिन आ रही है? हमारी बहन को हिंदुस्तान ही पसंद नहीं, विलायत में घर बसाना चाहती है। अपनी माटी एक बार छोटी मालकिन के पांव पकड़ेगी तो छुड़ाना मुश्किल होगा उनके लिए। हुकुम, कब तक रुकेगा? पहली गाड़ी से चले जाऊंगा हुकुम। शहर तुझे अच्छा नहीं लगता? बलवंत को अच्छा क्या बुरा क्या, मालिक का हुक्म ही उसकी जान है। हुक्म, तेरी आंखें हमारे निजाम की निगहबान है बलवंत। जा, खुश रह। हुक्म। हुक्म, सुंदर, अति सुंदर, क्या नाम है तेरा? गंगा। गंगा, गंगा जो पहाड़ों की अजीम ऊंचाइयों से गिरती है और मैदानों की प्यास बुझाती है, मगर ठाकुर दिग्विजय सिंह की प्यास बुझाने के लिए गंगा के अमृत में थोड़ी सी शराब मिलानी पड़ती है। हुस्न की पूजा, खूबसूरती की इबादत। हुकुम छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? ये लो। कसम घुंगरू के जनकार की, बहुत जल्दी में है मेरी उर्मिला, हिसाब तो दे दीजा। मुफ्त में औरतों की कमाई खाता है, कीड़े पड़े तुझे, ले डल्ले। ये तो सिर्फ 200 है मेरी मनीषा कोरेला। तो क्या 2000 मिलेंगे? कस्टमर ने 400 दिया था, उसका आधा तो हुआ 200। और वो जो 300 रुपया कस्टमर ने तेरे को टिप दिया था, उसका आधा 150 का क्या हुआ मेरी श्री देवी? चल अभी टाइम मत खराब कर, जल्दी से माल निकाल मेरी जूही चावला। हाँ, ले हरामी। चल दे भाग यहाँ से। ओए, ओए बलवंते, वाह वाह वाह, कब आया तू? आज शाम की गाड़ी से। चल अंदर आजा, अंदर आजा, आजा। अब की बार क्या लेकर आया है? ठाकुर का कोन्या प्रसाद, कसम गंगरू के जनकार की, तेरा ठाकुर भी कमाल का है, कमाल का। जब जी चाह ऐश की और जी भर गया, अपने शिकार को बाजार की रौनक बनने के लिए भेज दिया। तेरा साला ठाकुर भी बहुत ना लख्या ना, हुक्म के खिलाफ एक लफज भी ना, काट डालू। अरे अरे मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक में भी ना, हुकम के खिलाफ मजाक में भी ना। अरे अरे, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, एक काम कर, थोड़ी शराब पी ले। अच्छा एक बात तो बता, गांव में सब ठीक है ना? वो भाभी कैसी है, है? तेरा बेटा ढोलू तुझे बहुत याद करे है। ढोलू छोरा भगवान बराबर पूजे है तुझे, तेरे ही सपने देखे है दिन रात, दे दे के तेरे सिवा कौन है उसका। बलवंते, ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी एक बेशिया बेशिया, एक बार जिसके कोटे चढ़ गई
फिर ना उतरे। देख, तू ठाकुर के शिकारों को मेरे दरवाजे पे छोड़ जाता है और मैं उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचता फिरता हूँ। ना दिन का पता चलता है ना रात का। अच्छा छोड़, ये बता तेरा बेटा कैसा है? करण, वो तो पूरा लट हो गया है नौलखे। मुझसे भी एक हाथ ऊपर निकला है। पहले नजर उठा के बात करता था, अभी नजर मिला के बात करे है। भगवान ने सींग नहीं दिए उसे। ससुरा सांड है सांड। कन्ने गांव की गोरियां। कृष्ण कन्हैया से मारो कृष्ण कन्हैया। हाय राम, हाय दया, ओए मां, बुआ हमारा खास किसे घूमे है? करता धरता कुछ नहीं है, बुआ दिन भर मठिया फोड़े हैं। आज तो सारी जवानी उतारनी है। चलो जय बम बोले। मजाक कर रहे थे तेरा। गांव में तुझसे मजाक नहीं करे तो किससे करे? लल्ला हमें माफ कर दे। पहले नागराज को खुश करो देवियों। नागराज खुश होंगे तो जाने देंगे, नहीं खुश होंगे तो डस लेंगे। नागराज को खुश करने के लिए क्या करना पड़ेगा? भाभी तुझे दूध पिलाना पड़ेगा। नहीं ढोलू, इन्हें नाचना पड़ेगा। चलो मेरी चाची और मौसी एक तरफ, भाभी दूसरी तरफ, और गांव की सब गोरियां मेरी तरफ। तुम नाचोगी और मैं बजाऊंगा। खोल, चल घूंघट के पट खोल। ए जमुना चाची, चाची कहाँ है? अरे कलमुए, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, तू मुझे नचवाएगा क्या? नहीं नाचेगी मौसी, तो ये तेरा पल्लू उठाएगा और नागराज के दर्शन करा देगा। भाभी हाँ हाँ कन्ने कन्ने कन्ने, इनको बोलना वो सुनने में वाला नाच दिखाए ना। बोलना बोलना। दिखाएगी ढोलू, दिखाएगी, नागराज के लिए सब कुछ दिखाएगी। देख, देख करने, देख तू हद से बढ़ता जा रहा है। हाँ। अगर मेरे नागराज अपनी हद से आगे बढ़ गए तो तुम सबका हो जाएगा तारा रारा। तो बोलो करने, तेरी माँ, कन्ने माँ, तेरी माँ। अरे पर क्या? अभी इतना नचाया कि मेरी सास को पता चलेगा तो घर में घुसने नहीं देगी। हाँ, मेरे घर में आ जाना। तू चुप कर। अरे हमारे मर्दों को पता चला तो तलाक देंगे, तलाक। तो इस उम्र में हमसे शादी कौन करेगा? मैं हूँ ना। तू चुप करता है कि? अरे रुक्मिणी बहन, ऐसा ही झांट पैदा करना था तो बांध के रखती, खुला क्यों छोड़ी? माँ ये लोग झूठ बोलते हैं, झूठ। ये लोग मुझे आके बोले कि हमारे साथ सिनेमा वाला नाच नाचो। अच्छा,
अब कोई बला आके खुद ही गले पड़ेगी तो क्या करेगा ये बेचारा गरीब। मुझे सिखाता है, मेरे पेट का जना है, अच्छी तरह जानती हूँ तुझे। चल नीचे उतर। उतर मारेगी तो नहीं? मारूंगी नहीं, तेरी आरती उतारूंगी। चल नीचे उतर। तेरी ये रोज रोज के तमाशे देखने से तो अच्छा है कि भगवान मुझे उठा ले। करते रहना जो जी में आए वो, न मैं होऊंगी न ये तमाशे देखूंगी। ए माँ, मारना है तो मार ले, लेकिन ऐसी उल्टी सीधी बात मत करना। ले भाभी। अरे माँ, माँ, अरे माँ, अरे माँ, काय को मारती है? होड़ेगा मटकिया, होड़ेगा, करेगा इनको तंग, करेगा इनको तंग। हाँ, क्या मारूं इसे, पत्थर का शरीर है, लकड़ी भी टूट जाती है। ये ले काकी, दूसरी लकड़ी ले। ए ढोलू, पिन पैंदे के लोटे। शर्म नहीं आती, माँ को रुलाता है देख। रुलाते तो क्या हुआ, अभी हंसा देता हूँ। नहीं हंसता मुझे। हंसना तो पड़ेगा माँ। नहीं, नहीं हंसना तो पड़ेगा। ओ तेरा बिटवा जवान होए गवा, रे माँ मेरी शादी कराई दे। अरे ए, छोड़ 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 ना बुद्धू। अरे माँ, खाने से ज्यादा तो तेरी उंगलियों में कुछ है, कौन सा मसाला डालती है? रहने दे रहने दे, बहू आएगी ना तो सब भूल जाएगा। अरे माँ, मैं तो फिर भी प्रार्थना करती हूँ कि जल्दी से बहू आए, वही तुम बाप बेटे को ठीक करेगी। अरे माँ, मैं बहू थोड़ी ना, मेम लाऊंगा मेम। एक नहीं, दो दो लेके आना। चुप, पहले बोल गोप गोपंगम दास। अरे छोड़, पहले मुझे बता तू क्या मेम लेके आने वाला है? और क्या, तू समझती क्या अपने करने को? क्या समझू करने को, वो तुझे ना दो ही दिन में आदमी से ऊंट बना देगी। ऊंट? देख माँ, अब ऊंट बनाए या कुछ, लाऊंगा तो मैं मेम ही। मेम लाएगा? ठहर तो बताती हूँ, मेम लाएगा, बोल तो मेम लाएगा। देख मैं तुझे ना, देख माँ, देख, 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 बापू आ गया, बापू आ गया। क्या ऊंट की तरह दौड़ लगा रहा है तू? ये क्या, 10 रोज बाद आए हो शहर से, न कोई खोज न खबर, यहाँ रहकर हमें चिंता। चुप कर, वकीलों की तरह सवाल जवाब मत कर। तेरी दुनिया चौकट के अंदर है, चौकट के बाहर मैं क्या करता हूँ इसका तेरे साथ कोई वास्ता नहीं है। करने, अपने बापू को बोल कि हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। ये सब क्या है भाई? बंदगी। How foolish. एकदम विलायती मेम लगती है करने। काकी काकी, तू मेरी इससे शादी करा दे ना। ढोलू, कौवे को मोती नहीं चुगाए जाते। अरे मैंने इसे कब कौवा कहा है? ए? अरे चुप मरो दोनों, चुप करो। आज के दौर में भी ये सब चलता है, I can't believe it. अंजलि, यहाँ कभी ना कुछ खत्म हुआ है ना होगा, खासतौर से दौलत, ओहदे और ताकत के सामने सर झुकाने की आदत, और फिर गरीबों की हड्डियां तो पैदाइशी झुकी हुई होती हैं, जब तक ये झुके हुए हैं हम इनके भगवान हैं। तुम लोग उधर जाके बंदोबस्त करो। अच्छा बलवंत काका, सुनिए जी। क्या? जरा हुकुम से बात करिए ना करने के लिए, उनकी नजर के सामने रहेगा तो इसकी भी किस्मत चमक जाएगी। अच्छा अच्छा, चला जा मेरे साथ। काका काका, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। क्या जरूरत है काकी, मैं बात करूंगी ना। इस बार आपने जो अस्पताल बनाने के बारे में सोचा है, उसके लिए हम सब लोग आपके आभारी हैं। ये गांव हमारा भी तो है, हमने तो अपना फर्ज निभाया है मुखिया। हुकुम। बलवंत, कौन है ये? हुकुम, ये मेरा बेटा है करण। कद काट से तो बिल्कुल तेरे पे ही गया है। आपकी छत्र छाया में रहेगा तो ये भी। अच्छा अच्छा, तू इसे अपनी छोटी मालकिन की चाकरी पे लगा दे। अंजलि के लिए जगह नई है, करण उसका ख्याल रख लेगा। हुकुम। गाँव के सांप बहुत जहरीले होते हैं, इनसे खेलना बहुत खतरनाक होता है। वो खेल ही क्या जो खतरनाक ना हो,
लेकिन तुम कौन हो? मैं करण। हुकुम ने मुझे आपका ख्याल रखने के लिए भेजा है। मेरा ख्याल रखने के लिए? So cute, I like it. जी मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। हुकुम, वो पीरगंज वाला मामला है ना, बहुत बिगड़ता जा रहा है। वो मास्टर है ना, वो हमारी भाषा समझता ही नहीं। हुकुम, इससे पहले कि भैंस पानी में चली जाए। अरे अगर समझ नहीं रहा है तो समझा देंगे। साले को मारूंगा कम, कसीटूंगा ज्यादा और फाड़ के गले में डाल दूंगा। हुकुम आप हुकुम करें। अरे दरोगा जी, ये मामला इतना आसान नहीं है, वरना हम आपसे पहले ही कह देते। हुकुम, इसके लिए तो कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जमीन तो हमारी ही रहेगी। जमीन उसी की होती है जिनके हल चलते हैं, उनकी नहीं जो उन पर हल चलाते हैं। बलवंत, जा फतेह कर। हुकुम।
छोटी पेंट वाली मालकिन। कहाँ जा रही है छोटी मालकिन? आ बैठ। अच्छा। अरे पीछे नहीं, इधर मेरे पास। ए तू हट। हट। बैठने में कोई खतरा तो नहीं है? अब मेरा मतलब है लगाम वगाम हाथ में है ना, ये शहर वालों ने भी अजीब चीज बनाई है, ना घोड़े की जरूरत ना बैल की, चार चक्के नीचे एक चक्का हाथ में, जहां आदमी जाए फुर से पहुंच जाए। राम 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 करते आना सब पानी पानी। ज्यादा बोलोगे तो घोल के पी जाऊंगी। घोल कर पी जाएंगी? अरे हम कोई शरबत है क्या जो घोल कर पी जाएंगी? अब ये तो सूखने वाला नहीं, लगता हमें भीगे बदन ही घर लौटना पड़ेगा। ओह तो चलो हम भी तुम्हारे साथ भीग जाते हैं। अरे आप पानी में क्यों आ रही है, आपको सर्दी लग जाएगी। तुम हो तो हमें सर्दी लगने का कोई डर नहीं। हमें गुदगुदी होती है। करण तुम शहर क्यों नहीं आ जाते? अरे आपने तो हमारी दुखती रख पर हाथ रख दिया। वही रख तो मैं कब से ढूंढ रही हूँ। अब क्या बताएं? हमारा तो बहुत मन है शहर देखने को, लेकिन बापू लेके ही नहीं जाते। सुना है शहर में बहुत कमाल कमाल चीजें देखने को मिलती हैं। वो तो है ही, ऐसे ऐसे रास्ते हैं कि इंसान गुम हो जाए। अच्छा? ऐसी ऐसी बुलंदें मारते हैं कि चढ़ते चढ़ते उम्र गुजर जाए। क्या बात कर रही है? और रोशनी की बाहों में तड़पती हुई रातें हैं। गुदगुदी मत कीजिए, मुझे कुछ क्या हो रहा है? आप मस्करी बहुत करती हैं। लड़की कौन है? धौलपुर की नैना है हुकुम। घर बार? आप ही के रहमो करम पर पली है। उसने हमारी नींद में सुराख कर दिया है। बलवंत हमें नैना चाहिए। हुकुम। जल्दी आ डोलू। इसमें छोटी पेंट वाली मालकिन है क्या? हाँ, हाथ लगा हाथ लगा। सुला दे उसको। और कुछ रह तो नहीं गया छोटी मालकिन? रह गया है तू। आप मस्करी बहुत करती हैं। मैं क्या कर सकती हूँ, ये तूने अभी देखा ही कहाँ है। कभी शहर आ तो दिखाऊं। शहर? शहर तो मेरा सपना है छोटी मालकिन, पता नहीं कब पूरा होगा। सपनों को पूरा होते देर नहीं लगती करण, शायद इस वक्त इसी वक्त तेरा सपना कहीं हकीकत में ना बदल रहा हो। दीवान जी हुकुम, उस लड़की को बलवंत के हाथ शहर भिजवा दो। हुकुम, अभी आग पूरी तरह से बुझी नहीं है और फिर लगान वसूली का वक्त ही आ रहा है। बलवंत की मुझे यहाँ जरूरत पड़ेगी। नैना को बलवंत का बेटा करण शहर छुड़ाएगा। लेकिन करण तो अभी बच्चा है हुकुम। अरे बलवंते, जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आ जाए तो वो बच्चा नहीं रहता, और फिर आगे चल के उसने तेरी जगह लेनी है भाई। क्यों हुकुम? दीवान जी ठीक कह रहे हैं बलवंत, नैना को करण शहर लेकर आएगा। हुकुम। करने की माँ इधर आ। भागो भागो भागो, गब्बर सिंह आ गया। गब्बर सिंह, ये कौन है जी? ये ठाकुर साहब की मेहमान हैं, इन्हें शहर भेजना है अपने करने के साथ। ले जा इन्हें अंदर। चल आ जा। अच्छको मच्छको का माँ।
ए, कौन है तू? बोलती क्यों नहीं? अरे गुंगी है क्या? अरे ए, बोलती क्यों नहीं? ना जी ना, मैं नहीं बोलना। ए, अचको मचको, तू यहाँ क्या कर रही है? ओ करने माँ, ये अचको मचको। अरे ये हुकुम के मेहमान है, इसे शहर भेजना है। तेरे बापू ने कहा है कि तू इसे शहर लेके जाएगा। नहीं, मैं इसे कोई शहर। अरे शहर? शहर? हाँ शहर। मैं शहर? हाँ माँ, मैं शहर जाऊंगा। माँ मैं शहर वो अपना करना शहर जा रहा है ना, उसको महुआ के घाट तक छोड़ने जा रहा हूँ। वो तुम्हारे लिए पायल लेकर आएगा। पायल? अच्छा मैं चलता हूँ। जा तो रहा है पर मन नहीं करता तुझे भेजने को। मेरा दिल पता। ये तूने क्या कायरों की तरह रोना शुरू कर दिया है? बेटा पहली बार काम पर जा रहा है, उसका कलेजा कमजोर मत कर। अपना ख्याल रखना। करने ये ले, ये है हुकुम की हवेली का पता, और ये कुछ पैसे हैं रास्ते के खर्चे के लिए रख ले, और हुकुम की गाड़ी तुझे स्टेशन पे लेने आ जाएगी। एक बात याद रखना करने, हुकुम के लिए वफादारी हमारा धर्म है, ये हुकुम की अमानत है, जान देकर भी इसकी हिफाजत करना। फिकर ना कर बापू, आखिर बेटा किसका हूँ। ज्यादा दिन मत लगाना, तेरी माँ की निगाहें चौखट पे ही लगी रहेंगी। माँ मैं जल्दी लौट आऊंगा। चाची तू करण को यही रख ले, मैं इसको शहर छोड़कर आ जाता हूँ। अरे गई भैंस पानी में। अरे ढोलू, अगर तूने सही सलामत महुआ के घाट तक भी छोड़ाएगा ना, तो ये समझ लेना जंग फतेह कर ली। जा करने, देर हो रही है। अच्छा बापू। जीते रहो जीते रहो, अपना ख्याल रखना। अच्छा माँ चल ढोलू। अच्छा काका। अरे गधे तू तो सिर्फ घाट तक जा रहा है, जा। चला चला चला। ढोलू जब तू गाता है तो समझ में नहीं आता तू गा रहा है या बजा रहा है। मैं इतना अच्छा गाता हूँ। ए अचको मचको, तू क्यों हंस रही रे? करने करने करने, तू मेरे लिए शहर से क्या लेकर आएगा? क्या चाहिए? तू मेरे लिए शहर से एक विलायती ढोल लेकर आना। विलायती ढोल? उसका क्या करेगा तू? मैं विलायती ढोल बजा के विलायती मैम को पटाऊंगा। फिर हंसी? अब क्या हंसी तो उठा के बाहर फेंक दूंगा। अरे बाजी, मैं कोई सामान की पोटली हूँ जो मुझे उठाकर बाहर फेंक दोगे? पोटली तो है जिसे मुझे हुकुम की हवेली तक फेंकना है। अगर मेरा हंसना पसंद नहीं तो तुम खुद ही उतर जाओ, मुझे तो ढोलू भैया भी शहर पहुँचा देंगे। क्यों ढोलू भैया? क्यों नहीं क्यों नहीं। तू मेरा दोस्त है या इसका? अरे बोलो ढोलू भैया, तुम इससे किसी बात में कम हो क्या? बिल्कुल नहीं बिल्कुल। अच्छा तो फिर बोल, पिजन कबूतर उड़न फ्लाई, लुक देखो आसमान स्काई। इसीलिए बोलता हूँ कि उतार के फेंक दे इसको बाहर। इसको फेंक दूंगा तो शहर किसको लेकर आएगा? अच्छा ठीक है, तो फिर तू इसको बोल दे कि चुपचाप बैठी रहे, वरना वरना क्या कर लोगे? करके तो दिखाओ, मैं हुकुम की मेहमान हूँ, तेरी खाल उतरवा लूंगी, जरा शहर तो पहुँचने दो। तेरी तो एक मिनट। अरे मेरी माँ मेरी बहन, तेरे को जो कुछ करना है शहर जाके कर। चलो मेरा गाना सुनो। ढोला ढोल मजीरा बाजे रे, मजीरा बाजे रे। तू गाता बिल्कुल रेडियो की तरह है, बस एक चीज का फर्क है। क्या? रेडियो को बंद कर सकते हैं, तुझे नहीं। करने करने करने, एक फर्क और है। क्या? रेडियो को बैटरी लगती है, मुझको नहीं। ए, गाड़ी रोक, लड़की कहाँ है? कहाँ है? अरे ये अचको मचको कहाँ गई? तुमने उसको हंसने के लिए मना किया था ना? हंसने के लिए मना किया था, गायब होने के लिए थोड़ी कहा था। ओ लगता है कि मतलब जंगल पानी करने के लिए उतर गई होगी। तो बता के नहीं जा सकती? औरत जाते ना तनिक लज्जा आती होगी। ठहर मैं उसको ढूंढता हूँ। अरे ओ अचको मचको, अरे ओ अचको मचको, अरे अरे यहाँ पर कोई नहीं है। अबे गधे आंख से हाथ तो हटा।
क्या ढूंढ रहे हो भाया? क्या आपकी भैंस हो गई सह? अचको मचको। यो कौन सा जानवर सह? अरे कन्ने, ये अचको मचको का नाम क्या है? मुझे क्या मालूम? हाँ, बड़ा होशियार बनता है, उसका नाम ही नहीं मालूम। कमाल है जी, जो चीज तलाश कर रहे हो उसका नाम ही नहीं मालूम। पूछो जी। उधर शहर में हुक्म, गाँव में तेरा बाबू हमें पीट देगा, मेरी पतलून फिर से गीली हो जाएगी। चुप हो ए! कमबख्त चुड़ैल, छचुंदर, छिपकली, चुया। ना जी ना, नैना। आ, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई। अरे चार कर रही है। तुमने डाटा क्यों? चल चल नीचे। मुझे चढ़ना आता है जी, उतरना नहीं। तेरी तो मैं। एक मिनट, मैं नीचे बैठ जाता हूँ, तू मेरे ऊपर चढ़ जा और उसको उतार ले। साली को चढ़ना आता है, उतरना नहीं। उतारता हूँ, उतारता हूँ। ए, क्यों हंस रही है? भूत देख लिया क्या? तेरे को क्या हुआ? एकदम सवरिया बालम लग रहा करने, तू भी अपनी छमी देख ले। मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अगर रुककर खाना नहीं खाया ना तो चूहे आ मुझे खा जाएंगे। रुकते हैं, रुकते हैं। ए करने, मेरे हाथ खोल देना। ऐसे कैसे चलूंगी करने, हाथ खोल। ए, मुझे भी देना, भूख लगी है। भूख लगी है ना? और नाटक करेगी? अब तो मेरे हाथ खोल दे। ना जी ना, मैं नहीं खोलना। हाथ खोलूंगा तो फिर से उड़न छू हो जाएगी। रुक जा, खिलाता हूँ। क्या हुआ, क्या हुआ? काटती है साली, लड़की है या बिल्ली? बिल्ली होती तो पूछ होती, पूछ नहीं है। लड़की है, लड़की, लड़की। अब तो ना खिलाऊंगा ना हाथ खोलूंगा। ए, नहीं खिलाएगा तो हम भूखे मर जाएंगे। तो जा मर जा, इसकी लाश हम हुकुम के हवाले कर देंगे। पाप लगेगा तुझे। हाँ ले, चुड़ैल को मारने से भी पाप लगता है, क्यों डोलू? चुड़ैल बोला मुझे, दिखाती हूँ तुझे चुड़ैल क्या होती है। चुड़ैल बोला ना, एक बार रस्सी काट लेने दे, फिर दिखाती तुझे। कर ले कर ले, जो चाहे कर ले, तेरा मुझसे पीछा नहीं छूटने वाला, क्यों डोलू? मुझे माफ कर दे, ला मैं पट्टी बांध देती हूँ। मुझे नहीं बंधवानी पट्टी। देख, तू पट्टी नहीं बंधवाएगा तो मुझे पाप लगेगा, ला हाथ दे। कहा ना नहीं बंधवानी। मैंने जानबूझकर थोड़ी तेरी उंगली काटी थी, वो तो बस अपने आप मेरे दांतों के बीच आ गई। तूने तो पहले मेरे हाथ बांधे थे, मुझे भूख लगी थी, गुस्सा आ गया, पत्थर फिसल गया, मैंने जानबूझकर थोड़ी पत्थर मारा था। कन्ने, बंधवा क्यों नहीं लेता? देख बेचारी कैसे रो रो के माफी मांग रही है। नहीं बंधवाऊंगा। तू चुप रह, मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं बंधवाता। चल बांध तू। छोड़ ढोलू, तुझे मेरी कसम करने। हाँ बांध बांध बांध। तुझे मेरी हंसी पसंद है तो ठीक है, मैं नहीं हंसूंगी, लेकिन तू मुझे माफ कर दे करने। मैंने तुझे हंसने के लिए मना किया था, रोने के लिए थोड़ी कहा था। मजा आ गया, मजा आ गया, दोनों ऐसे घुल मुल गए जैसे दूध में शक्कर। हाय दैया, शक्कर इतनी काली होती है क्या? ए, तू क्या अपने आप को दूध समझती है? भैंस है भैंस। अरे कन्ने कन्ने कन्ने, देख तेरी भैंस कहाँ चली गई। घास चरने गई होगी।
दुपट्टा संभाल गोरिये, दिन दहाड़े ना यो डाका डाल गोरिये, तेरे फूलों के जैसे है गाल गोरिये, तेरे रेशम के जैसे है बाल गोरिये, तेरी कातिल अदा चल मस्तानी, बोल 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 रानी लड़की दीवानी। तू छड़े कुड़ियों को छेड़ना, बल्ले बल्ले तू छड़े कुड़ियों को छेड़ना, तेरी रपट लिखा दूंगा थाने, तू छड़े कुड़ियों को छेड़ना, बल्ले बल्ले तू काहे घूंघटा है ओहड़े, बल्ले बल्ले तू काहे घूंघटा है ओहड़े, तेरा लौंग मारे ले शिकारे काहे घूंघटा है ओहड़े, कमाल बल्ला तेरी तिरछी नजर है कमाल बल्ला, मेरे बारे में क्या है ख्याल जाने, बोल 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 राजा क्या है इरादा, अरे बोल 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 राजा क्या है इरादा, हो करे लाखों मेरा इंतजार बल्ला, मिलेंगे तेरे जैसे हजार बल्ला, कभी शीशे ढोलू भैया तुम्हारे साथ तो समय का पता ही नहीं चला, मेरा तुम्हारा साथ यहीं तक का था, लेकिन देखो तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी छोड़ना नहीं है, और मेरे दोस्त कन्ने को कभी तंग नहीं करना, नहीं करूंगी जी, कन्ने तुम लोग चले जाओगे तुम्हारी बहुत याद आएगी मेरे को, ए अगर तू रोएगा ना तो मैं शहर नहीं जाऊंगा, कैसे नहीं जाएगा, शहर तो तेरा सपना कहता है नहीं जाऊंगा, ये मेरे बापू को दे देना, ये क्या है, मैंने अपने बापू के लिए चिट्ठी लिखी है, मुझे उनकी बहुत याद आती है, उनको देखने का बहुत दिल करता है, तू मेरे बापू से कहना क्या उनको अपने ढोलों की याद नहीं आती, क्या वो अपने बेटे से मिलना नहीं चाहते, बोल दूंगा, पहले तू बोल, चूसो चूस गडेरिया, दो तेरिया दो मेरिया, खट्टी मीठी बेरिया फिर मिलने की देरिया, बोल चूसो चूसो चूस गंडेरिया, दो तेरिया दो मेरिया, खट्टी मीठी बेरिया फिर मिलने की देरिया, मैं नहीं बोलना, लड़ पड़ेगा तो सुलह कौन कराएगा, अब तो ढोलू भैया भी नहीं है,
हाँ नैना, जब कोई अपना बिछड़ता है ना तो दिल को बहुत अजीब लगता है। ए, कल को अगर हम बिछड़ गए तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा? तू मेरी लगती क्या है? क्या मैं तेरी कुछ नहीं लगती? हाँ, क्या लगती है तू मेरी? बोल बोल। कुछ नहीं लगती ना, तो फिर ठीक है, तू चल अपने रास्ते और मैं चलती अपने रास्ते। इस तरह आगे आगे क्या जा रही है, पीछे पीछे चल। मैं क्या तेरी गुलामों की तेरे पीछे चलूंगी, तू चल मेरे पीछे। अरे मैं तो तेरी हिफाजत के लिए कह रहा था। मुझे नहीं चाहिए तेरी हिफाजत। ओए, बैल की तरह आगे आगे क्या जा रही है, तुझे पता भी है कहाँ जाना है? पता है जी, सब पता है। यहाँ से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से सीधे, सीधे से फिर दाएं, दाएं से बाएं, फिर सीधे। नाक की सीट पे दो फलांग के बाद सामने स्टेशन, बैठो गाड़ी में फिर से शहर। मेरा क्या है, मैं तो इसकी हिफाजत के लिए बोल रहा था, जहाँ चाहे मरे। डर लगेगा तो आएगी दौड़ी दौड़ी मेरे पीछे। कहाँ गई कमबख्त? अरे भैया, ओ अरे भैया, आपने यहाँ से किसी पागल लड़की को जाते हुए देखा है? नहीं तो अब कहाँ ढूंढूं? जिसे ढूंढ रहे हो जल्दी ढूंढ लो, आगे घने जंगल हैं, मिल भी गई तो पहचान भी नहीं पाओगे। समझ में आया आपको? जल्दी जाओ, बहुत से जंगली जानवर हैं वहाँ। आगे आगे गई थी तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं? मुझे जाने क्यों दिया? मैं बेवकूफ हूँ ना, पागल हूँ ना? तुझे तो मेरी फिक्र करनी चाहिए थी, तूने मेरी सुनी क्यों? तू मेरी सुनती कहाँ है? नहीं सुनती, मेरी मर्जी। तू तो मुझे डांट डपट कर रोक सकता था ना। अगर डांटता तो रोने लगती तो क्या होता? रोती तो रोती, गुम तो ना होती। बहुत बड़ा बनता है मुझसे, ताकत वाला बनता है। हिफाजत करने चला था ना मेरी, ये हिफाजत की तूने? रोकता क्यों नहीं? चुपचाप मार खाए जा रहे, तुझे चोट नहीं लगती क्या? तेरी चोट भी इतनी मीठी है नैना, मार ले जितना मारना है। ए, मैंने तुझे हंसने से मना किया था, रोने के लिए नहीं कहा था। अब के तू मुझे छोड़ के चला गया ना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरी हंसी तो मेरी जान ले चुकी है।
अब चले। अलग अलग चले या साथ साथ? साथ साथ। जब मैं तुझसे बिछड़ी तो डर के मारे मेरी तो सांस ही रुक गई थी। डर तो मैं भी गया था नैना। तू और डर गया था? चल झूठा कहीं का। सच नैना, इतनी थोड़ी सी देर में मैंने सारे नरक देख लिए। सच, मुझे भी ऐसा ही लगा। करण, अगर मैं सच्ची में गुम हो जाती तो तू क्या करता? फजूल बात मत कर, अब सीधे सीधे चल। सच बता, अगर मुझे कोई जानवर खा जाता तो? अब नाटक बंद कर, सफर लंबा है। सफर लंबा है तो क्या हुआ, थोड़ी देर में पहुँचेंगे बस। तू इस तरह ही चलती रही ना तो जिंदगी भर नहीं पहुँचेंगे, रास्ते में ही बूढ़े हो जाएंगे। सच्ची? कितना मजा आएगा ना। मजे की बच्ची, दो घंटे बाद गाड़ी है, छूट जाएगी। तो क्या हुआ, एक गाड़ी छूट जाएगी तो दूसरी मिल जाएगी। पर तू छूट गया तो कहाँ मिलेगा? संभल के चलना, आगे कीचड़ है। फिसल गई तो बंबई की जगह भटिंडा पहुंच जाएगी। पता है जी, पता है, मुझे चलना आता है। अब देख क्या रहा है, खड़े खड़े हाथ देना। बोला था ना संभल के चल, गिर जाएगी। मैं तो मिट्टी मिट्टी हो गई। अरे देखती क्या है, सामने नदी है, कपड़े उतारो और कूद जा पानी में। ना जी ना, मुझे शर्म आती है। Oh,
गुजर ने नजर से मुलाकात कर ली, जुबा बंद थी फिर भी हर बात कर ली। ना पूछो इसमें कैसे जिया जाता है, चुरी चुरी। ना पूछो इसमें कैसे जिया जाता है, घबरा रहा है, शहर जाने को जी नहीं कर रहा। ए चल ना, वापस चलते हैं, क्या रखा है मोहे शहर में? नहीं नैना, बापू ने कहा है तुझे जान देकर भी हुकुम की हवेली पहुंचाऊं। पहले तुझे हुकुम की हवेली पहुंचाऊंगा, फिर गांव जाकर बापू से जरूरी बात करूंगा। ए क्या बात करेगा, बोलना। यही के बापू एक रेलगाड़ी घर लानी है। क्या, मैं तुझे रेलगाड़ी की तरह काली कलूटी लगती हूँ? तो ठीक है, कर ले शादी किसी रेलगाड़ी से। मैं अरे कहाँ चली मेरी 56 मील, सुन तो। अब ये 56 मील तेरे स्टेशन पर नहीं रुकेगी। हाँ अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तेरे बिना मैं जी पाऊंगा क्या? तू मुझे हुक्म के पास छोड़कर कहाँ वापस चला जाएगा, मुझसे ये जुदाई बर्दाश्त न होगी। जुदाई को नजदीक आने न दूंगा, तुझे एक पल दूर जाने न दूंगा। मैं पलकों में सपना बना के रखूंगी, तुझे घर कदमों में बसा के रखूंगी। अब हमें कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई नहीं। इस बेचैनी का सबब? नैना, नैना, इस बेचैनी का भी एक
ही नशा है। ऐसा क्या है उस लड़की में हुकुम? लड़की वो नैना है नवेली। नैना, आपकी सेज से उतरकर नैना भी एक आम लड़की की तरह हो जाएगी हुकुम, जिसे आप दोबारा देखना गवारा नहीं करेंगे। आपके मेहमान को बापू ने बोला ना तो हम लेकर आए ढोलपुर से। शाबाश, हमें भी शहर देखने का बहुत शौक था इसलिए। अच्छा किया, अच्छा किया। नवेली, हुकुम आपकी हवेली तो गांव वाली हवेली से भी बहुत बड़ी है। हाँ है ना, कब तक रुकेगा? अब आए तो शहर देखकर ही जाएंगे अगर आप कहें तो। जब तक तेरा जी चाहे रुक। बख्तावर। यस सर। करण को ठहराने का इंतजाम कर दो। ओके सर। आओ हमारे साथ भीतर चलो। हमें लेवाने कब आओगे जी? बहुत जल्दी। अंजलि, इतनी जल्दी क्या अमेरिका वापस जाने की? यहाँ मन नहीं लग रहा क्या? जहाँ मन लगा वहाँ तो आपने हमें रहने नहीं दिया भाई। अब यहाँ रहने के लिए कोई बहाना भी तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब अगर आप शादी कर ले तो हमें यहाँ कुछ और दिन ठहरने का बहाना मिल जाएगा। इस घर को खुशियाँ और हमें एक भाभी। कोई खास मेहमान? हाँ नैना है तो खास मेहमान, कल ही गांव से आई है, बलवंत की बेटी करण के साथ। जय राम जी की। हम करण हैं, गांव से आए हैं। क्या बात है, आप बहुत खामोश हैं। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब है तबीयत पानी। लगता है मेम साहब ने कुछ खास ट्रेनिंग दी है आपको चुप रहने की। अरे जरा हिला डुला कीजिए तबीयत। कमाल है, ये तो नकली है। पत्थरों के इस शहर में कुत्ते भी भूत हो गए। जवाब नहीं इस शहर का। जो आंखों को नजर आता है वो है नहीं, और जो है वो नजर नहीं आता। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? क्यों बड़े बुत साहब, आपका कहीं वो छोटी बुतियान के साथ कुछ लफड़ा तो नहीं? नहीं अगर है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं छोटी मालकिन से कहकर सब फिट करा दूंगा। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? मैं तो बाप रे, या तो कदम कदम पर खतरा है। आप कैसे रहती हैं इन खतरों में? बेहद तकलीफ से। आप
मस्करी बहुत करती है। अब देखिए ना, गली की तो बात है, आपने कहा और हम शहर आ गए। अब जल्दी से हमें शहर दिखा दीजिए। शहर क्या, तुम तो बहुत कुछ देखोगे हमारी आंखों से। ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए। ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए। ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए। सांसों की तान है, ये जिस्म जान है, कसमों की डोर है, रस्मों की भोर है, मंदिर का दिया है, मन की पूजा है, हर शै की तलब है, इश्क इश्क रब का मतलब है, इश्क इश्क। ये इश्क बड़ा बेदर्दी है, रात दिन सताए। छोटी मालकिन, तुझे मेरे प्यार का तोहफा। छोटी मालकिन, ये प्यार नहीं। जिस जिस्म को पाने के लिए शहर का हर मर्द अपनी रूह को बेचने के लिए तैयार है करण, और ये जिस्म तुझ पर बिकने को तैयार है। ये जिस्म सबकी ख्वाहिश है करण, और इस जिस्म की ख्वाहिश है तू। जिस्म की नुमाइश पश्चिम की अदा है, शर्म हिंदुस्तान का गहना, और प्यार, प्यार तो दिलों में धड़कन बन के बस जाता है, और इस दिल की धड़कन का नाम है नैना। नैना पागल, नैना तो हमारे भाई ठाकुर दिग्विजय सिंह की ख्वाहिश है। ये झूठ है, ये झूठ है ना? नहीं करण, यही सच है। इस वक्त तेरी नैना हमारे भाई की बाहों में पिघलने के लिए सज रही होगी, और हमारे भाई की बाहों में पिघलने के बाद मसली हुई कलियां सिर्फ बाजारों की रौनक बनती हैं। हुकुम? हुकुम नहीं, गुलाम।
है हुकुम। बाप, ये तेरी खुशनसीबी है कि ठाकुर दिग्विजय सिंह ने तुझे इस काबिल समझा। दुखदार जी, दुखदार। ये दर्द हमारा इनाम है तुझे। कोई और लड़की होती तो उसे मौत कबूल करनी पड़ती। हम किसी और से प्यार करते होंगे। ठाकुर दिग्विजय सिंह की चाहत किसी और का प्यार कैसे? दिग्विजय सिंह का जुनून है, मौत भी तुझे हमसे छीन नहीं सकती। ना जी, वो हमारा सच्चा प्यार है हुकुम, हमारा सच्चा। नैना, नैना, वो आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए हुकुम, वो हमें लेवाने आ गया हुकुम, हमें जाने दीजिए। वो आ तो गया है, मगर अब वो यहां से जिंदा वापस नहीं जाए, नहीं जाए। नैना! यहां के दरो दीवारों को हमारी सिवा किसी और की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं। हम नैना को लेने आए हैं हुकुम। गुस्ताख, अपनी जबान से नैना का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि हम उसे प्यार करते हैं, वो हमारी मोहब्बत है हुकुम। हमें नैना दे दीजिए, हम उसे लेकर गांव लौट जाएंगे, गांव लौट जाएंगे हुकुम। नैना हमारी जागीर है, वो इस घर में हमारी ख्वाहिश बनकर आई थी और अब हमारी जिंदगी बनकर रहेगी। जा, चला जाना से। आपके पास तो सब कुछ है और हमारा सब कुछ नैना, हमें हमारी नैना दे दीजिए। तुझे नैना चाहिए? हाँ, हुकुम, हुकुम, नैना चाहिए मुझे। सच में तुझे नैना चाहिए? हाँ हुकुम। नैना चाहिए इसे, हमारी नैना चाहिए इसे। हाँ, नैना चाहिए मुझे नैना चाहिए। नैना का नाम अब किसी की जबान पर आया तो हम उसकी जबान खींचेंगे। जितना चाहे सुन कर लो, पर मेरी नैना मुझे दे दो, मेरी नैना मुझे दे दो। मत ले नैना का नाम, यह मेरी कुव्वत आजमा रहा है। मत ले नैना का नाम। अगर तू हमारे वफादार बलवंत का बेटा ना होता, उसका खून ना होता, तो तेरे जिस्म का सारा खून फर्श पर बहा देते। उसी खून में बहते हुए तेरे नमक ने मुझे रोक रखा है, वरना नैना की खातिर मैं यहां लाशों के ढेर बिछा देता। बख्तावर, इसे समंदर के हवाले कर दो। कहाँ है मेरा करण? क्या किया उसके साथ? कहाँ है मेरा करण? मैं तुमसे पूछ रही हूं, बताओ कहाँ है मेरा करण? वो मर चुका है। नहीं,
भी नहीं हो सकता। करण, करण कैसे मर सकता है? वो नहीं मर सकता। मैं सबूत हूं कि वो नहीं मर सकता। करण जिंदा है, वो जिंदा है। अरे वो सांस लेता है तो मैं सांस लेती हूं। वो कैसे मर सकता है? वो कैसे मर सकता है? मेरा करण नहीं मर सकता, मेरा करण नहीं मर सकता। उसकी उम्मीद छोड़ दे लड़की। नैना सांस छोड़ सकती है, करण की आस नहीं छोड़ सकती। हमारी चाहत तुझे किसी और की आस करने की इजाजत नहीं दे सकती। तुझे नैना चाहिए ना? बहुत खूबसूरत लगता है ना नैना का ये जिस्म। अगर ये जिस्म मेरे करण की सजा है तो मैं इस जिस्म को बर्बाद कर दूंगी, टुकड़े टुकड़े कर दूंगी इस जिस्म के, बर्बाद कर दूंगी अपने आप को, टुकड़े टुकड़े। बस बस बस, इस जिस्म पर हमारा हक है, तू इस पर और जुल्म नहीं कर सकती। यही तो फर्क है तुझ में और करण में। तुझे सिर्फ नैना के जिस्म से प्यार है, लेकिन करण, करण के लिए नैना जिस्म नहीं, नैना जिस्म नहीं, वो तो उसे उसकी रूह तक प्यार करता है, उसकी रूह तक प्यार करता है, उसकी रूह तक प्यार करता है। नवेली, हुकुम। इससे पहले कि हम अपने होश गवा बैठे, इस लड़की को होश में ले आओ। रब्बा कदीवीना पैन बिछोड़े सुन ले दुआवा मेरिया। ओ रब्बा कदीवीना पैन बिछोड़े सुन ले दुआवा मेरिया, सुन ले दुआवा मेरिया। मुझे यार बिना, ओ मुझे यार बिना, मुझे यार बिना दुख में बथेरे
दुश्मन है जमाना, रिश्ता है निभाना, अब देर लगाना। सजना ए सजना, आके मिल, आके मिल, आके मिल। छोड़ दो भाई, आप हार जाओगे। हम कभी हार नहीं सकते। हार सकते हैं प्यार से, उनके पीछे प्यार की ताकत है जो आपसे बड़ी है। ठाकुर दिग्विजय सिंह, जिंदगी में कभी हार बर्दाश्त नहीं कर सकता, कभी नहीं। मरना चाहता है, मरने का बहुत शौक है तुझे। नैना के बगैर तो हम मर भी नहीं सकते। मिलना चाहेगा नैना से, आ मेरे साथ। नैना, पहले कि मेरे भाई का कहर तुम दोनों पर मौत बनकर टूटे, भाग जा इसे लेकर। मैं कहती हूँ भाग जा। हमें भगाने का अंजाम जानती हूँ छोटी मालकिन। मौत, मौत से ज्यादा कोई क्या दे सकता है, और मौत से कम लेना तो मोहब्बत की तौहीन होगी ना करण। भाग जाओ, मैं कहती हूँ भाग जाओ। Thank you.
उड़ गए। पंछी तो पिंजरा तोड़ के उड़ गए। आप हार गए भाई। आप चिंता मत कीजिए सिंह साहब, आपकी बहन का कातिल इस शहर से भाग नहीं पाएगा। हमने पूरे शहर में नाकाबंदी कर रखी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस है, और फिर आपने कातिल का पता देने वाले के लिए 10 लाख का इनाम भी तो रखा है। हम पर कातलाना हमला हुआ, हमारे गांव से आई हुई मेहमान को वो अगवा करके ले गया। इंस्पेक्टर, अगर 24 घंटे के अंदर तुमने उस कातिल को हमारे सामने हाजिर कर दिया तो हम तुम्हें इनाम से कई गुना ज्यादा रकम देंगे, वो जो तुमने तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। सरकार, ऐसी रकम के लिए हम कानून को भी अपने हाथ में ले सकते हैं, इनफैक्ट पूरे शहर को आग लगा देंगे हम। करण, क्या हम इस शहर से निकलकर गांव पहुंच पाएंगे? क्या हमारा सपना पूरा होगा? घबरा मत नैना, मैं हूं ना तेरे साथ। हम बहुत जल्द गांव लौट जाएंगे। मां, बाबू, ढोलू हमारे अपनों के पास, वहां जाते ही हम ब्याह कर लेंगे। हमारा सपना जरूर पूरा होगा नैना, जरूर पूरा होगा। कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे, लिखेंगे हम अपनी मोहब्बत का, हम अपनी मोहब्बत का नया I'm
अपनी मोहब्बत का नया इतिहास लिखेंगे, नया इतिहास लिखेंगे। सीने पे सदके सोने को जी चाहता है, ना जाने क्यों मिलके रोने को जी चाहता है। हम दोनों अब आशिकी में हद से गुजरने लगे हैं, सांसों की गलियों से होके जामे उतरने। सूचना, कल रात शहर के मशहूर उद्योगपति ठाकुर दिग्विजय सिंह की बहन अंजलि सिंह की हत्या कर दी गई। सूचना के अनुसार हत्या करण सिंह नामक युवा ने की है, जो ठाकुर दिग्विजय सिंह के घर मेहमान बनकर आया था और हत्या करने के बाद फरार हो गया। ठाकुर दिग्विजय सिंह ने हत्यारे के बारे में खबर देने वाले के लिए 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। हत्यारे के बारे में किसी किस्म की सूचना मिलने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। ये मेरे बापू को दे देना। नौलखा चाचा, हमें शहर से बाहर निकाल दो ताकि हम गांव पहुंच सके। अरे तुम फिक्र मत करो मेरे बच्चों, कसम गुंगरू के जानकार की, जब तक तुम्हारा ये नौलखा चाचा जिंदा है ना, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अंधेरा होने तक तुम दोनों यहीं ठहरोगे और उसके बाद मैं तुम दोनों को ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां पर खतरे को भी पहुंचने में डर लगेगा। डोंट वरी, बी हैप्पी। अगर तेरी ये खबर सही है तो इनाम का हकदार तू ही होगा। जरा आहिस्ता सरकार, अभी हमने अपनी बात पूरी नहीं की। वो क्या है कि आजकल फूलों का दाम मंडी में बढ़ गया है, आप जैसे अमीर लोगों ने उनका भाव बढ़ा दिया है अपने कोर्ट के छेद में सजा सजा कर। क्या चाहते हो तुम? अरे कुछ नहीं हजूर, इनाम की रकम जरा बढ़ा देंगे तो अच्छा होगा। 10 लाख तो सौदा लगता है सौदा, 11 कर देंगे तो शकुन लगेगा हजूर। ठीक है, नैना और उस लड़के के मिल जाने के बाद आप उधर पुलिस को हुक्म करो रेड करने को, और इधर पैसा तैयार। कसम कुंगरू के जानकार की,
ढोलक का दलाल जरूर है लेकिन जबान का पक्का, सौदे में कभी धोखा नहीं करेगा हजूर। इंस्पेक्टर। यस सर। इस वक्त नैना और वो लड़का कमाठीपुरा के दलाल नौलखा के कोठे पर हैं। पुलिस आ पहुंची है, तुम दोनों जल्दी से यहां से भाग जाओ। तुम कौन हो? गंगा, उसी ठाकुर के जुल्मों की शिकार। लेकिन नौलखा चाचा ने तो हमारी हिफाजत। लगता है नौलखे ने तुम्हें भी बेच दिया। दरवाजा खोलो। इससे पहले कि नैना एक और गंगा बन जाए। भाग जाओ। दरवाजा खोलो। मैं कहती हूँ भाग जाओ, भाग जाओ करण। तोड़ दो दरवाजा। नैना भाग जाओ, भाग जाओ। वो छोरा छोरी कहाँ है? बच्चों को छोड़िए दरोगा साहब, हम तो हैं। जरा हमें भी तो खिदमत का मौका दीजिए। इनफैक्ट ये नाटक दिखाकर हमको बहलाना चाहती है। हवलदार। यस सर। कोठे का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो कि वो दोनों भागने ना पाए। साहब बोलो नीचे भागने। छोकरा छोकरी नहीं पकड़ सकता तो बड़े बड़े मुजरिम कहां से पकड़ेगा? अरे हजूर माई बाप, हफ्ता लेते लेते इसके हाथ मुलायम हो गए हैं, पकड़ में दम नहीं रहा। थाली में परोस कर लाया था मैं माई बाप। अरे तेरे को कीड़े पड़ेंगे, कीड़े हराम कोर। अरे मेरा कसूर क्या है? अरे 50% दे दो, अरे 20 दे दो। अरे बड़ू है, मैं तुझे बद्दुआ देता हूँ, तुझे एड्स हो जाए, मेरा 11 लाख का नुकसान किया है। अरे तुझे कीड़े पड़े आरामी। एक मौका और दीजिए सिंह साहब, सिर्फ एक मौका। इस बार वो दोनों बच नहीं पाएंगे। मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा सरकार। अगर नैना वो लड़का हमें जल्द नहीं मिले तो हम पागल हो जाएंगे और इस शहर राख। क्या बात है मुनीम जी? अरे गई भैंस पानी में, शहर से तार आया है, तुम्हारे लौंडे ने तो बड़ी गड़बड़ कर दी। ऐसा क्या कर दिया करने ने? अरे अपना करना, हुकुम की अमानत उस लौंडिया को लेकर भाग गया है।
हुकुम ने तुम्हें जल्दी शहर बुलाया है, अभी के अभी। करने की माँ, मेरा सामान बांध जल्दी, मुझे शहर जाना है। शहर जाना है? काहे अचानक शहर जाना है? सब कुशल मंगल तो है ना? क्यों लाला जी, कुछ हुआ तो नहीं ना मेरे करने को? अरे कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक ठाक है, तू मेरा सामान बांध। अब कुछ बताओ भी, क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं होगा मेरे करने को। काम हो जाएगा। माँ, पानी, पानी। करण, करण, तुझे प्यास लगी है? करण, मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। बलवंत, सामने आ। हाँ इधर आ, बैठ बैठ जा, इधर बैठ जा, बैठ जा बलवंत, बैठ जा। देख रहा है, देख रहा है ना बलवंत, देख क्या हाल हो गया तेरे हुकुम का। तेरे बेटे ने बरसों के नमक को पानी कर दिया रे। हमारी बहन को उसने मार डाला, हम पर उसने गोली चलाई। बलवंत, नैना को लेकर भाग गया है वो। बलवंत, चार दिन से तेरा हुक्म सोया नहीं। देख देख हमारी आंखें, देख, होश भी नहीं बचा।
देख, तेरा हुक्म होश में लगता है, होश में लगता है तेरा हुक्म। बलवंत, तू तो जानता है कि एक बार कोई चीज तेरे हुक्म की निगाहों पे चढ़ गई तो उस पर किसी दूसरे का नजर डालना भी नमक हरामी है, उसका ख्याल करना भी बगावत है, और उसकी सजा जानता हूं। मौत है उसकी सजा, जा उसे लेकर आ। तेरा खून है ना, तू बुलाएगा तो जरूर आएगा। ये शहर नरक है नैना, नरक। ये शहर हमें खा जाएगा। काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती और हम गांव लौट गए होते तो अच्छा होता। कम से कम हमें ये दिन देखना तो नहीं पड़ता। कर रही थी तुम, पागल हो गई हो? मर जाने थे मुझे, मर जाने। साथ जीने की कसम खाई थी और अकेले मरने का फैसला कर लिया तुमने। मत कर इतना प्यार मुझसे, मत कर। मेरी मोहब्बत तेरी जान की दुश्मन बन गई है। अगर तुझे कुछ हो गया ना कर तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। के पास मोहब्बत है उसे ना जान का डर है ना जान का। करने 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 करने। देख नैना, मेरा बापू। बापू करने, मेरे बच्चे करने, 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 मेरे बच्चे। बहुत सताया है शहर वालों ने, हमको बहुत सताया बापू। हमने इनसे कहा हमको गांव वापस अपने बापू और अपनी मां के पास जाने दो, नहीं जाने दिया। बहुत मारा हमको, पागल कुत्ते की तरह गली गली दौड़ाया। देखो ना क्या हालत हो गई है आपके बेटे की। हमको गांव वापस ले चलो, हमको मां की बहुत याद आती है। अब हम वापस शहर आने की जिद नहीं करेंगे बापू। तू फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, मेरे करने, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तू आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। नैना, नैना सब ठीक हो जाएगा, देख बापू आ गया है। अबे सालो बाहर निकलो, हमारा बापू आ गया है। अब बाहर निकलो आराम से, जाओ। बापू आ गया है, हमारा बापू आ गया है। अगर एक बाप की औलाद हो तो बाहर निकलो और दिखाओ अपनी ताकत। क्या समझते थे क्या हम आराम थे? अभी अभी हाथ लगा के दिखाओ, हाथ लगा के दिखाओ। छोड़ दो करने, संभाल अपने आप को, अपने आप को संभाल करने, करने करने बाबू रख अपने पे, हौसला रख, हौसला रख करने बाबू, करने
बेटे, मोहब्बत हम जैसे लोगों के लिए नहीं है। जान ले लेती है ससुरी। करने, नैना हुक्म की अमानत है। ये तो क्या कह रहा है बापू? अपनी होने वाली बहू को गाली मत दे। मैं नैना के बगैर नहीं जी सकूं। हमने हुक्म का नमक खाया है। हुक्म की वफादारी हमारे खून में है। तो हुक्म के साथ वफादारी निभाने के लिए तू अपने खून के साथ नाइंसाफी करने को तैयार है बापू? दीवाना हो गया है तू? होश में नहीं है? इस लड़की पर नजर डालना भी पाप है। तू मेरे साथ चल और नैना को हुक्म के हवाले कर दे। मैं हुक्म से तेरे लिए माफी मांगूंगा। बापू, मेरे लिए कुछ मांगना है ना, तो भगवान से नैना मांग। उस हुक्म जैसे कुत्ते से क्या मांगता है? ना करने, ना। मैं बेटे की शक्ल में हुक्म का एक बदनसीब दुश्मन देख रहा हूं। और मैं अपने बाप की शक्ल में हुक्म का एक बेरहम चल्लाद देख रहा हूं। यहां वहां क्या मारता है? यहां मार, यहां। सारा कसूर तो इस ससुरे दिल का है। दाग दे गोली और फिर लाश बनाकर फेंक देना अपने हुक्म के सामने। ना जी ना, ना जी ना बाबूजी। मेरी खातिर बाप बेटे दुश्मन बन जाए तो मैं जी के क्या करूंगी? ले चलिए मुझे बाबूजी, ले चलिए हुक्म के पास। मगर करण को माफ कर दीजिए बाबूजी। चल तू मेरे साथ। बापू, अपनी बहू का हाथ छोड़ दे। नैना का हाथ छोड़ दे बापू, नैना का हाथ छोड़। अब क्या बोलता है बापू? देखता क्या है, मार डाल मुझे। अगर अपनी और नैना की जिंदगी चाहता है तो मार डाल मुझे, क्योंकि अगर मैं जिंदा बच गया तो तू नहीं बचेगा। तेरे मेरे बीच में मां का सुहाग नहीं होता ना, तो आज मैं तुझे नहीं छोड़ता। तूने मुझे जिंदगी दी है ना, आज मैं तुझे जिंदगी देता हूं। हमारा हिसाब बराबर हो गया बापू, बराबर हो गया। करने, करने, रुक जा करने, 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 करने। काकी, क्या हुआ? मेरा कर, ढूंढू, पता नहीं, मुझे बहुत बुरा सपना आया है। ये बाप बेटा तो मुझे पागल करके रहेंगे। मुझे शहर ले चल, मुझे शहर ले चल ढूंढो, मुझे शहर ले जा बेटा। ले चलूंगा काकी, तू फिक्र मत कर। राम जी, मेरे बच्चे की रक्षा करना। Ah!
तेरे बिना, तेरे बिना जीना ना जीना, आए राम जी ना जीना, आए राम जी हो ना जीना, आए राम जी। के सहरा में बूंद गिरी प्यास बुझी, आज लगी सावन झड़ी। ये प्रेम कहानी तो मैंने लिखी, तूने लिखी, जाने वफा दिल ने पढ़ी। ओ जग जो सताए हमको रुलाए, तेरी और मेरी आंखों में हंसे पा। तू हमसे ब्याह करेगी? नहीं। तू सिर्फ हमारी दुल्हन बनेगी? नहीं। हर रात ये कयामत हमारी बाहों में टूटेगी? नहीं। तुझे हर रात के इनकार की कीमत चुकानी होगी लड़की। आज ठाकुर दिग्विजय सिंह अपनी फतह का जश्न मनाएगा। तू हमारी है, हमने तुझे हासिल कर लिया। नैना? नैना तो सिर्फ करण की है। हेलो इंस्पेक्टर, इस दीवानी को उसके आशिक की आवाज सुनाओ। वो क्या कहते हैं कि जब तक खाने में नमक और मिर्च ना हो तब तक खाने में जायका नहीं आता। लाल मोहन,
आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सर। अब अपने जख्मों को बोलने दे बबुआ। ये लोग से मार डालेंगे हमको। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, उन्हें रोक दीजिए हमको। उन्हें रोकना हमारे बस की बात नहीं, उन्हें सिर्फ तुम रोक सकती हो। मैं आपसे ब्याह करने के लिए तैयार हूँ। जाहिल कमाल, पर उसमें क्या है जो आप में नहीं? आपके चरणों की दासी बनूंगी, ये तो मेरा सब भाग्य होगा। उसे बख्श दीजिए हमको, उसे बख्श दीजिए, उसे बख्श दीजिए। मैं आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ, आपकी दुल्हन बनना चाहती हूँ। नौलखिया, अरे अरे मोया, अरे अरे भाभी, अरे भाभी, अरे तू यहाँ कैसे? अरे इतना ढूंढा मोया, ये शहर है कि जंगल? अच्छा ये बता, तू ऐसी जगह में रहता कैसे है? तू एक काम कर, अंदर चल, अंदर आजा भाभी, अंदर आजा भाभी, मेरी माँ। अच्छा एक बात तो बता भाभी, तू अचानक यहाँ कैसे आ गई? अब क्या बताऊँ, जैसा बाप वैसा ही बेटा। पहले करना शहर चला आया, उसकी कोई खबर नहीं आई। उसके पीछे उसका बापू शहर चला आया, उसकी भी कोई खबर नहीं आई। वहाँ रहकर मेरे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे, तो मैं भी चली आई। अरे यो अकेली चली आई? अरे अकेली नहीं, तेरे ढोलू को साथ लेकर आई हूँ। ढोलू भी आया है? पाँव छू अपने पिताजी के। बापू पायल आगे। अरे जीता रहे, जीता रहे। देखा कितना बड़ा हो गया है तेरा ढोलू, बिल्कुल मेरे करने जैसा। भाभी मैं तुम दोनों खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ना ना लखे, पहले तू करने और उसके बापू की खैर खबर सुना, तुझे तो मिले ही होंगे। ये क्या बताएगा काकी? गंगा तू यहाँ? हाँ काकी, बलवंत काका मुझे हुक्म के यहाँ पहुँचा गए। और जब गांव की बेटियों से उस ठाकुर का मन भर जाता है, तो ये नौलखा उन्हीं बेटियों की बोटियां बना देता है इस बाजार में बिकने के लिए। ये तू क्या कह रही है गंगा, ये क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है बाबी। झूठ? तो पूछो इससे कि तुम्हारा करण कहाँ है। मेरा करना कहाँ है नौलखे? ये नहीं बताएगा, मैं बताती हूँ। तेरा करण उस कैद में है जहाँ से मौत के सिवा उसकी कोई रिहाई नहीं। मेरा करना कैद में? क्यों, किसने डाला उसे कैद में? क्या क्या कसूर था उसका? हाँ बता, क्या कसूर था मेरे बच्चे का? उस अभागे ने नैना से प्यार जो किया, और इससे पहले कि ठाकुर उसकी नैना की जिंदगी को बर्बाद करता, करण नैना को ठाकुर के कहर से भगा ले गया। और जब वो इस नौलखे की शरण में आए, तो इसने पैसों की खातिर उन्हें बेच दिया। क्या? पैसों की खातिर मेरे यार की जिंदगी को बेच दिया? मेरे यार की जिंदगी को बेच दिया? बापू तेरे पास दिल है कि पत्थर है? अरे क्या क्या नहीं बोलता था मैं अपने गांव में कि हमारा बापू शहर में बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़ा काम करता है। ये काम करता है तू, ये काम करता है तू, है तेरे पे। बापू कितने अरमानों के साथ, कितने सालों के बाद हम अपने बापू को मिलने आए थे, अब गांव जाकर क्या कहेंगे कि हम अपने बाप से नहीं, एक शैतान से मिले थे, शैतान से। बापू अब तेरे पापों का प्रायश्चित मैं करूंगा तेरे पापों का प्रायश्चित। तूने गंगा का कोठा दिया ना, मैं इसे घर दूंगा, घर। चल गंगा, चल काकी यहां से चलते हैं,
चल काकी चल, चल गंगा चल। बलवंत, आज मैं अपनी औलाद के सामने नंगा हो गया, नंगा कसम घुंगरू के जानकार की। इंसान गिरते गिरते एक दिन इतना छोटा हो जाता है कि उसे डूबने के लिए चुल्लू भर पानी तो क्या, अपनी औलाद की तू की काफी होती है। बलवंत मैं लुट गया, मैं लुट गया, मैं लुट गया, बलवंत मैं लुट गया। क्यों मेरी बात कोई नहीं सुनता? मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा करना चाहिए। अरे वही जिसका कल हम लोगों ने तोड़ पानी किया था। चला आजा बुढ़िया, आजा जी साहब, मिल ले उससे। करने करने तेरी माँ आ गई है मेरे बच्चे। कितना जुल्म किया है, कितना। मेरा बच्चा, क्या हाल बनाया मेरे बच्चे का। तेरे एक एक जख्म पे मौसत के बेटा। माँ, कुछ मत बोल मेरे बच्चे। तेरे इन जख्मों में मैंने तेरे प्यार की पूरी कहानी पढ़ ली है। मैं ना जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तेरे लहू की एक एक बूंद उसका नाम लिख रही है। इतना प्यार तो कोई खुदा और भगवान से भी नहीं करता रे, जितना तूने नैना से किया है। लेकिन तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये बढ़िया कौन है लालमोहन? अपने तोड़ पानी की मदर है सर। बढ़िया, तेरा बेटा तो गया काम से। कैसी बातें कर रहे हैं साहब? जिस लौंडी की खातिर इसने हीरो बनकर सिंह साहब से पंगा लिया ना, उसकी तो शादी है आज सिंह साहब से। इनफैक्ट कुछ ही देर में तो फेरे हो जाएंगे। और फिर सिंह साहब उसका भी सत्यानाश कर देंगे। और फिर विदाई के बाद हम तुम्हारी चमड़ी का ढोल बनाकर खूब पीटेंगे बबुआ, खूब पीटेंगे। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली सर। करण, भाग जा यहाँ से। मेरी बहू को ले आ, जा। ये भागेगा? आज अगर तू नहीं गया तो प्यार सिर्फ एक झूठी कहानी बन के रह जाएगा, इतिहास नहीं। आज अगर तुझे मौत से भी टकराना पड़े तो पीछे मत हटना मेरे लाल। अगर उससे टकराना पड़े जिसने मुझे जिंदगी दी है। अपने बाप से डरता है? बाप से नहीं, तेरी मांग से। बाप भी अगर पापियों के साथ हो तो वो दुश्मन है, इतना समझ ले। ले, पोंछ लिया मैंने सिंदूर। आज अगर तू मेरी बहू को नहीं बचा पाया तो मरते वक्त ये माँ तुझे अपना दूध नहीं बख्शेगी। अरे हट, माँ को हाथ लगाता है, मेरी माँ को।
बात मेरा यकीन कर ले बेटा, मैं जानता हूँ कि वो शादी कहाँ हो रही है। करने? बापू। बलवंत, आज तेरी वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान का दिन है बलवंत। तेरी पीढ़ी दर पीढ़ियों ने आज तक जितना इस हवेली का नमक खाया है उसके एक एक कण की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। अगर तेरा बेटा हमारे विवाह में रुकावट बना तो तुझे उसकी कीमत उसकी जिंदगी से चुकानी होगी। हुकुम। कसम घुंघरू के झनकार की, आज तक इतनी बेटियों का सौदा किया है मैंने, आज अगर अपनी जान का सौदा करके मैं अगर एक भी बेटी को बचा सका ना तो शायद मैं दलाल से पाप बन जाऊंगा। आज कोई भी गोली तुझे नैना तक पहुंचने से नहीं रोक सकती बेटा, मैं रास्ता बनाता तो कूद जा। बेटा तू कूद जा, कूद जा बेटा, कूद जा, तुझे ढोलू की कसम। सब घुंघरू के झनकार की। मेरा करण आ गया। पंडित जी विवाह की रस्म शुरू कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडम ध्वजा। लौट जा, सामने तेरी मौत है। तेरे हाथों में मौत का सामान है तो मेरे साथ मोहब्बत की ताकत। आगे मत बढ़ना। आज कायनात रुक सकती है, करण नहीं। तू वफादारी की दीवार पार नहीं कर सकता। इस अंधी वफादारी की दीवार को तो मेरी मां ने अपना सिंदूर पोंछ के गिरा दिया है। ताकि उस पापी का सामना करते वक्त मेरे हाथ कमजोर ना पड़े जो दूसरों की बहु बेटियों को इस ठाकुर की सेज तक पहुंचाता रहा है।
करने का खून बहता हुआ नहीं देख सकता। तूने मेरे करण का खून बहाया, बस दुआ है तुझे मेरी। आज तुझे तेरे हंस से कोई नहीं बचा सकता। करने मेरे बच्चे ना, बह जाने दे। मेरे शरीर से तेरा गंदा खून बह जाने दे। हुकुम की तलवार बेटे की ढाल बन रही है। हाँ। जिस खून को तेरे नमक ने पानी बना दिया था, आज मेरे बेटे के खून ने उसे फिर से खून बना दिया है। मेरा कुत्ता पागल हो गया है। नहीं, तेरा कुत्ता इंसान बन गया है ठाकुर। अब देखता हूं दुनिया की कौन सी ताकत मुझे रोकेगी। बापू, एक गुलाम ने अपनी वफादारी निभा दी, अब एक बाप अपना फर्ज निभाएगा। जा फतेह कर, जा।
करने मेरे बच्चे करने ले संभाल रुक्मणी तेरा बेटा और मेरी बहू मैं सबका गुनहगार हूं लेकिन सबसे ज्यादा तेरा माफी का हकदार तो नहीं इसलिए मेरी सजा बता दे मां बापू ने तुझे तेरा बेटा वापस कर दिया अब तू मुझे मेरा बापू लौटा दे नहीं कलम से चाहत का हम पहला एहसास लिखेंगे लिखेंगे हम अपनी मोहब्बत का हम अपनी मोहब्बत का